नमस्कार, हमारी आवाज़ की तरफ से सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आवाज़ ने अभी तक 9 वीडियो मैगजीन बना चुकी है। हमारी ये मैगजीन बस्ती की समस्याओं पर आधारित होती है। मुंबई की 35 बस्तियों में पिछले 3 साल से लगभग 1000 से ज़्यादा बार ये फिल्में बस्ती में दिखाई गई है। पानी, कचरा, माहिती का अधिकार और ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषयों पर फिल्म बनाई है। फिल्म देखने के बाद लोगों ने पहल की और वो समस्या दूर करने में सफलता पाई। हम कुछ ऐसी सफल कहानियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। माहिती जर मिळाली तर त्याचा काहीतरी आम्ही करू शकतो। या गटराबद्दल, पाण्याबद्दल तो सूचना के माध्यम से हमने नहीं किया है। आम्ही वापर केलेला आहे, पण आमच्यापर्यंत तो वापर केलेला आमच्यापर्यंत पोहोचलेला नाही। नगर में काम लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया कचरा उठाने का, दत्तक बस्ती का, फिर भी वो काम नहीं करता। हमने ITI पिक्चर देखी थी, उसके ऊपर हमने ITI फाइल किया। उन्हें पूछताछ किया तो मालूम पड़ा ITI फाइल से हमको कि यहाँ पे काम हुआ है, यहाँ पे काम नहीं हुआ है। फिर अभी उन्होंने काम चालू किया है, लादी गिराई है, हर गली का काम चालू है, रोड का भी काम चालू है। पीछे आप देख सकते हैं कि काम हुआ है, गटर का कचरा निकाल के रोड पे रखा गया है। अभी आप यहाँ पे कैमरा मार के देखिए, यहाँ पे आपको बहुत ही कचरा दिखाई। कचरे का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो हमारे एरिया वाले कचरा जमा नहीं करते ठीक तरह से। कचरा ही तो टाकतो, कचरे की सोयच नहीं टाकायला। कचरे के ऊपर से जो फिल्म दिखाई थी उसका बहुत असर हुआ यहाँ पे। उसके कारण लोगों में जागरूकता आई और कचरा यहाँ इतना कम हो गया। अभी कचरा कचरे कुंडी में जाता है। इन कामयाबी के पीछे आपका भी काफी सहयोग रहा है। आपके सहयोग के बिना एक कामयाबी नामुमकिन होती। आप लोगों ने हमें फिल्म बनाने से लेकर फिल्म दिखाने तक सहयोग किया, तो आइए देखते हैं लोगों की सहयोगिता। लाइट हम इसके लिए देते हैं, जो आप लोगों का काम जो है ना, पब्लिक का जागृत करना। जो भले का बात कर रहे हो तो अपना थोड़ा योगदान हुआ, तो उसमें तो कुछ नहीं। आपसे तो ये अपेक्षा करेंगे जो इसी ढंग का आप प्रोग्राम करते रहो, पब्लिक में जागरूकता लाते रहो, तो पब्लिक की जानकारी मिलती रहे। लोगों को जागरूक करना ये बहुत अच्छी बात है, और ये तो आप पहले से कर रहे हो, इसलिए हम लोग पहले से सपोर्ट कर रहे हैं आपको। 5-6 विषय के ऊपर तो बहुत अच्छी फिल्में मैंने देखी खुद, और बाकी आप लोग आते हैं तो किसी न किसी प्रतिनिधि के द्वारा काम तो होता ही है। अपने हिसाब से मैं बोलता हूँ, लेकिन हर एक जगह पे ऐसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में या और जगह पर ये लोगों ने फिल्म देखनी चाहिए। लोगों को यही बोलूँगा कि जो भी स्टैंडर्ड मीडिया है जो TV पे दिखाए जाते, वो प्रॉपर स्लम कम्युनिटी में आकर लोगों के इश्यूज़ को कवर नहीं करते। बट हमारी आवाज़ के ये जो आपकी जो टीम है, ये पूरे स्लम में जाती है, लोगों के हर इशू को कवर करती है। तो वो मीडिया और ये मीडिया में डिस्टेंस देखे और किसको सपोर्ट करना चाहिए और किसके साथ रहकर काम करना चाहिए, इसका सोचे। और आप ऐसे हमेशा आते रहेंगे और हमेशा ऐसे एक एक करते करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगता है, और हम चाहते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ बस्ती में ऐसे माहौल फिल्म बनाया जाए। सपोर्ट इसके लिए करते हैं, आपके तो लोग को बहुत जानकारी मिलती है। अब जो बता रहे उसके बारे में लोग देखते हैं, बाद में आप जाने के बाद में भी पूछ रहे ये क्यों आया, मतलब क्या करना चाहिए। यह तो हो गया आपका और हमारा रिश्ता। यह रिश्ता बरकरार रखने के लिए आपका सहयोग बना रहे। भविष्य में बस्तियों की समस्याओं पर फिल्म बनाकर हम बस्तियों में दिखाते रहेंगे, इसीलिए आपका सहयोग देना महत्वपूर्ण होगा।